आज इस भाई को हम जला ही देंगे, इधर ही जला के राख कर देंगे। ओह क्या सीन है गाइस, यहाँ पे एक वीली आएगी। ओ भाई भाई मुझे छोड़। ओहो हमारी टीम है, ये दो पीस ऐसे है, कंचा पीस, एक उबैद और एक दाऊद। ये रहे हमारे भाई लोग और ये हमारी ड्यूक, और वहाँ पे किफायत की, वहाँ पे दाऊद की, यहाँ पे एक और भाई। बस एडिटिंग व्लॉगिंग बस इतना ही मेरा काम रह गया है जिंदगी में। मैं बीमार हूँ, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं, कसम से कह रहा हूँ। अगर आज भी मैं आपके लिए मोटो व्लॉग बनाने नहीं निकलता ना, तो आप लोग जो है मुझे मार डालते। ट्रैफिक आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा है, ट्रैफिक जो है वो भर भर के। आज जो है किसी भी हालत में व्लॉग जो है वो डालना ही डालना है। आज की वीडियो की स्टार्टिंग जो है वो कुछ इस तरह की लोकेशन से हो रही है। अभी कुछ दोस्त आए हैं मिलने, पहले जो उनसे मिल लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ सीधा घर के लिए। मेरी सेहत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। जब से मैंने सॉन्ग का शूट खत्म किया है तब से जो है मेरा गला भी बैठा हुआ है और कोल्ड कफ भी हो रखा है बहुत ही ज्यादा। समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज के साथ क्या करूँ। बहुत सारी दवाई भी ली है तब भी जो है रिलीफ नहीं मिल रही है किसी भी एंगल से। अभी सीधा चलते हैं नीचे वाली साइड, मिलते हैं अपने भाइयों के साथ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन देखने को मिलता है। ट्रैफिक आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा है, ट्रैफिक जो है वो भर भर के है। ओहो बहुत खतरनाक, ओहो फुल पावर था भाई। गाइस देख रहे हो ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, मतलब मैं बीमार हूँ, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं, कसम से कह रहा हूँ। मतलब अगर आज भी मैं आपके लिए मोटो व्लॉग बनाने नहीं निकलता ना, तो आप लोग जो है मुझे मार डालते, क्योंकि इंस्टा पे जो आतंक मचा रखा है ना आप लोगों ने, वो अलग ही लेवल का है। इंस्टा पे इतने सारे DMs आते हैं ना, कसम से कह रहा हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ भाई। ब्लॉक क्यों नहीं आया भाई, आ रहा है। बीमार हूँ थोड़ा सा, तो गलती मेरी भी है कि मैंने स्टोरी वगैरह नहीं लगाई थी कि मैं बीमार हूँ। तो अगर मैं स्टोरी वगैरह लगाता तो लोगों को पता चलता कि हाँ भाई इसकी सेहत थोड़ी सी खराब है। मैंने जो है स्टोरी ही नहीं डाली और ना ही कोई पोस्ट। आप लोगों के लिए ब्लॉग तो बनाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड पापा ने इतना ज्यादा गुस्सा किया है ना, कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। मैं प्रॉपर खाना भी नहीं खाता हूँ ना ही कुछ, और बस एडिटिंग व्लॉगिंग बस इतना ही मेरा काम रह गया है जिंदगी का। और यहाँ से रोड जो है ये बिल्कुल ही खराब है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इतने सारे खड्डे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। ओहो चाचा साहिल को मैंने लोकेशन सेंड कर दी थी, वो यहीं पे आया होगा। आता है यहाँ पे और देखते हैं क्या सीन देखने को मिलता है गाइस। साहिल चूजा जलगोजा तो बहुत खतरनाक सीन। तो गाइस ये रहे हमारे भाई लोग और ये हमारी ड्यूक, और वहाँ पे किफायत की, वहाँ पे दाऊद की, यहाँ पे एक और भाई, वहाँ पे 390 सालिम की, और वो मेरी वाली बेस। तो सारे भाई लोग जाए यहीं पे, अभी इनके साथ थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन देखने को मिलता है। तो गाइस आज वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत खतरनाक सीन होने वाला है आज। तो मैं बीमार हूँ जैसा कि आप सब लोगों को पता है, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी और बहुत ही लो एंगल में बात हो पाएगी आज आपसे, बट जितना हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। ये देख रहे हो साहिल फुल पावर था भाई। गाइस ये है हमारी पार्टी, लेकिन इसके बगैर ये टीम से बाहर निकाला गया है परसों ही। बहुत सारी बाइक्स, फुल पावर था भाई। गाइस आज इस बाइक को हम जला ही देंगे, इधर ही जला के राख कर देंगे। ओह क्या सीन है गाइस, फुल पावर था भाई। गाइस वाह वाह वाह, बहुत खतरनाक। यहाँ पे एक वीली आएगी। ओह भाई भाई मुझे छोड़, साइड में लगा। ओहो ओहो गाइस, अभी का सीन ये है कि अभी निकल चुके हैं हम सीधा घर के लिए वापस, और मेरे साथ आएगा दाऊद और एक और बंदा जो है वो स्टंट पॉइंट पे हमारा वेट कर रहा है। तो वहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको दाऊद के नए स्टंट्स। ये दाऊद निकल चुका है आगे, और देख रहे हो क्या खतरनाक हो रही है। ओहो चाचा क्या कर रहा था ये भाई। तो गाइस पहले जो है हम चाय वाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन देखने को मिलता है। दाऊद कह रहा है नहीं भाई हम आगे कहीं पे पी लेते हैं, क्योंकि लेट हो गया है और हमें व्लॉग भी बनाना। मैं भी ऐसा वाला रश कर सकता हूँ बट मैं करता नहीं, मेरे पेरेंट्स जो इस चीज के खिलाफ है 100% पर। अगर मैं ऐसा कोई सीन करता हूँ व्लॉग भी नहीं करने दे सकते हैं, और बहुत सारा कुछ सीन ऐसा है कि जो वो नहीं करने दे रहे। दाऊद क्या कर रहा है जानवेरी, धीरे धीरे। बस हमारी टीम में ये दो पीस ऐसे है, कंचा पीस, एक उबैद और एक दाऊद। ये दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा लड़ते हैं ना, कसम से कह रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ। हमारे टीम में सबसे फनी बंदा है अदनान, जो कि उबैद का भाई है, नेक्स्ट लेवल बंदा। उसके साथ इतना मजा आता है ना बात करने में, मतलब वो बात बात पे जोक्स वगैरह बोलता है, तो अच्छा लगता है बंदे को उसके साथ बात। दोस्त जो है वो पूरी जम चुकी है, मतलब कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। इतनी सारी ठंड लग रही है, मतलब कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अभी देखते हैं, अभी पहले जाते हैं यहाँ पे,
वहाँ पे एक बंदा हमारा वेट कर रहा है, वो भी जो है व्लॉग्स वगैरह बनाता है, तो उसके पास जाते हैं, उसे मिलते हैं, उसके बाद जो है चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद में सीधा घर की तरफ निकल जाऊँगा। ये देखा गाइस विदाउट इंडिकेटर, देखा कैसे मोड़ दिया इसने। ओ, 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 ओ ये क्या कर रहे हैं ये। बोल पावर ना भाई, खतरनाक, देख रहे हो 1 2 3। ओ दाऊ जी इस बाइक पे भी कंफर्टेबल नहीं है, जब ये कंफर्टेबल होता ना गाइस। देख रहे हो गाइस, बोल पावर ना। गाइस मेरी हालत जो है वो खराब होती जा रही है, ये बंदा खतरनाक लीन करता है, मतलब कोई भी बंदा इसको लीन में नहीं हरा सकता है। तो ये है दाऊद मेरी जान, अभी जा रहे हैं सीधा ऊपर वाली साइड। हम जो यहाँ थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे, मैं पूरा डेड हो रखा हूँ कसम से यार, इतना ज़्यादा बीमार हूँ ना मैं क्या बताऊँ आपको। ओह गाइस मतलब मैं कुछ बोलने की हालत में ही नहीं हूँ, इतना ज़्यादा बीमार हूँ मैं। मैं जो है बिल्कुल स्लो राइड करूंगा। ओ ये देख रहे हो क्या कर रहा है बंदा, बस आप दाऊद इसको नहीं छोड़ेगा। ये देखो गाइस ये दाऊद है भाई, मैं बिल्कुल धीरे। ओ पागल कहीं का, देखा सड़क के बीच में रोल उठा दिया इसने। देख रहे हो गाइस फुल पावर था भाई, सीन चल रहा है यहाँ पे। मैं इतना ज्यादा बीमार क्यों हूँ भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी मेरे साथ हो क्या रहा है। एक और बंदा जो है वो पीछे रह रहा है भाई, मैं उसको भी आने देता है। देख रहे हो ये चक्कर हो गाइस, विदाउट इंडिकेटर बाहर सीधे फुल पावर था भाई। ओहो ठंड जो है ना वो नेक्स्ट लेवल ठंड है, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन ठंड मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है। मैं दाऊद को यहाँ पे ड्रॉइंग देख रहे हो, तो गाइस ठंड जो है यहाँ से नेक्स्ट लेवल है, तो मेरे हाथ जो है वो जम चुके हैं फुल। मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं करूं तो क्या करूं। ओह मतलब बिल्कुल ही तबाही हो रही है यहाँ से, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी ही ज़्यादा ठंड होगी। ये देख रहे हो कुत्ता कैसे बचा है यार, मतलब तबाही सीन हो गया था इसके साथ यार। बाइक में फ्यूल भी कम है, बाइक में फ्यूल भी डालना है, बट मैं सीधा घर ही जाऊँ, क्षमता ही नहीं है कि मैं वहाँ तक जा पाऊँ। अभी मैं सीधा ही घर चला जाता हूँ और रेस्ट कर लेता हूँ। आज जो है किसी भी हालत में ब्लॉग जो है वो डालना ही डालना है, वरना जो है मेरी जनता मुझे मार ही डालेगी सीधे। ओहो तो गाइस देख रहे हो ठंड तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो ये जो ठंड है ना ये नेक्स्ट लेवल ठंड है। तो अभी सीधा चलते हैं घर और करते हैं थोड़ा आराम, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इवन मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से।
क्योंकि मेरी नोज वगैरह जो है वो फुल बंद है और गले में इतना ज़्यादा लग रहा है। तो अभी सीधा चलते हैं घर और करते हैं रेस्ट। अभी का सीन ये है कि अभी मैं सीधा पहुंच चुका हूँ घर वाली साइड। आज का ब्लॉग जो है एंड करते हैं यहीं पे। आई होप कि आपको जो मेरा ब्लॉग है पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नए एडवेंचरस ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी फाइन, खुदा हाफिज़।